हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए अगेन लेट नाइट रीडिंग करने वाली हूँ। एक और न्यू रीडिंग, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट देखेंगे। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है कि आपसे कुछ बात रेजोनेट हो, कुछ बात ना रेजोनेट हो, मतलब कुछ सम टाइम पॉसिबल है कि 100%, 20%, 80%, 50%, 60%, कुछ इस तरह से आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। आपसे जितना रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूअर्स तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे आज रात आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें क्या चल रहा है उनके दिमाग में। फर्म फाउंडेशन नंबर 4, ठीक है। सो आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो जाएंगे। नंबर 9 सफरिंग, नंबर 19 वी हैव लाइट, नंबर 17 वी हैव होप एंड नंबर 5 इमोशनल लॉस, ठीक है। बॉटम से आता है नंबर 3। सो यहाँ पे मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ हैंड टू हैंड, और लास्ट में हम चैनल मैसेज भी यहाँ पे देखेंगे। एक न्यू ये चैनल मैंने क्रिएट की हुए हैं, ठीक है। मैसेज नवरात्रि चल रही है, बहुत हाई वाइब्रेशन है, तो इस वक्त के मैंने बैठ के ये बनाए हुए हैं। आई होप सो बहुत सारे मैसेजेस आप तक डिलीवर होंगे यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्म फाउंडेशन यहाँ पे क्या कहता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं फर्म फाउंडेशन यहाँ पे क्यों आया है, इस पर्सन के माइंड में ये सब कुछ क्यों चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, 8 of Cups एंड दी 7 of Wands। ओके, बॉटम से 5 of Cups की एनर्जी है। राशि अगर मैं देखूं व्यूअर्स, यहाँ पे मेष राशि, मेष सिंह धनु और कर्क वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी गाइज यहाँ पे निकल के आती है। नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वैसे 8 नंबर और 7 नंबर भी यहाँ पर आता है, ऐसा नज़र आता है व्यूअर्स। ये करेंटली इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, इस कनेक्शन का सॉलिड होना है ना। मे बी समवेयर ये आपकी डिज़ायर होगी, ठीक है, कि भाई एक कनेक्शन ऐसा हो जिसको जिसका बेस सॉलिड हो, जिसका होना ही अपने आप में काबिल हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि कनेक्शन आज बना और कल ख़त्म, आज बात हो रही है कल बात नहीं हो रही है, आज ऑन है कल ऑफ है, आज ब्लॉक है कल अनब्लॉक है, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे नहीं चाहिए। जो भी हो स्टेबल हो, जो भी हो बेहतर हो, पहले से आने वाले समय में और ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो ना कि ख़राब हो। तो यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में यहाँ पर क्या चल रहा है, जैसे आप इस पर्सन से एक डिज़ायर लेके चल रहे हो, ठीक है, कि तुम जो भी मुझे दो वो बेहतर हो, जिसमें मुझे आगे इन फ्यूचर में स्ट्रगल ना करना पड़े, या फिर मेरी लाइफ स्ट्रगलिंग लाइफ ना बने, है ना। मुझे भी मेरी लाइफ में रिलैक्स होना है, हर वक्त मुझे स्ट्रगल में नहीं फंसना, जैसे हर वक्त मुझे इन बातों को लेके चिंता में नहीं फंसना कि मेरा कनेक्शन में आने वाले समय में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप ऐसा कर दोगे, आप ऐसा कर दोगे, ये सिचुएशन वो सिचुएशन। तो पूरी लाइफ मुझे स्ट्रगल नहीं करना है, आई वॉन्ट टू बी सेटल, मुझे सेटल होना है ना। तो इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स आपकी ये जो डिमांड है वो मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे नज़र आ रही है, ये उन चीज़ों को लेके सोच रहे हैं। यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ और देखी जा सकती है, जैसे कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, कुछ लोगों की तरफ से मे बी हर एक से बात रेजोनेट ना हो, बट आपका एक अल्टीमेटम है, जैसे आपका एक इशारा है इस पर्सन की तरफ, इफ़ यू कैन डू दिस देन आई विल स्टे, इफ़ यू कांट देन आई विल गो, ठीक है। तो आप इस पर्सन से यही कह रहे हो कि अगर तुम वक्त रहते कर लोगे, क्योंकि वक्त अब नहीं है मेरे पास, या फिर मेरी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरी तरफ से भी जो
प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती चली जा रही है, जैसे कि आपके मतलब आपके बैक से है ना, कहीं ना कहीं मे बी आपकी फैमिली से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मे बी एज इश्यूज हो रहे हैं या समवेयर अदर इश्यूज हो रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि मेरी लाइफ में भी अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ पे भी प्रेशर है, मेरी भी फैमिली है, मुझे भी अपनी फैमिली बनानी है, मुझे भी अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, आई नीड स्टेबिलिटी है ना, मुझे अब फ्लटिशियस रिलेशनशिप में मे भी नहीं रहना, आपकी ये डिमांड है, आपका एक इशारा है। अगर आप सीरियस हो इस कनेक्शन को लेके, अगर आप मुझे प्यार करते हो, देन यू कैन डू दिस, आप इस चीज़ को करके दिखाओ, कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पे चीज़ें सॉलिड फॉर्म में देखनी है, ना कि सिर्फ बातों में, ना कि सिर्फ कन्वर्सेशन के अंदर हो, मतलब आपने ये बोल दिया, ये कर दूँगी, वो कर दूँगा। अगर आप कह रहे हो तो करके दिखाओ, और अगर आप नहीं कर सकते देन फिर मुझे जाने दो, ठीक है। क्योंकि अब इस तरह से रिलेशनशिप, हम बच्चे तो हैं नहीं, जैसे कि आप ये कह रहे हो, यू वी नीड टू बी सीरियस, हमें सीरियस होना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेके, अपने आने वाले फ्यूचर को लेके, हम इमेच्योरिटी इस स्टेज पे आके नहीं दिखा सकते, है ना। तो हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को लेके सोचना होगा, प्लान करना होगा, और प्लानिंग अगर कर ली है तो इमीडिएट एक्शन लेने की बात आ चुकी है, नौबत आ चुकी है। तो इस तरह के व्यूअर्स मुझे वाइब्रेशन यहाँ पे आपकी तरफ से मिल रही है, जिसको लेके आपके पर्सन यहाँ पे राइट ना मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि चिंताग्रस्त है, ठीक है। उनको भी दिखने लगा है कि भाई जो भी है उनको एक्शन तो लेने पड़ेंगे, अगर एक्शन नहीं लिए तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, और एक मैसेज और मुझे चैनल हो रहा है, मे बी समवेयर दैट इज़ कॉल्ड ईगो, ठीक है, इसको हम ईगो कह सकते हैं। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में कुछ बातें ईगो पे भी गई हैं, ठीक है। ईगो ने भी इस कनेक्शन को मतलब बर्बाद करने में, या इस कनेक्शन को मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से सेपरेशन में लाने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कुछ बातें में भी आपकी तरफ से ऐसी व्यूवर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं जो इस पर्सन के ईगो को लग गई, आपका मे बी कहने का जो सेंस हो सकता है वो डिफरेंट हो, आपका एक्शन में भी जो आप ले रहे हो या ले चुके हो वो मे बी समवेयर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, बट आपके पर्सन ने उसको अपने अहम पे लिया है, और वो अहम पे लेने की वजह से यहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हुई हैं। एक अनदर मैसेज मुझे मिला था तो मैंने आपको डिलीवर कर दिया, ठीक है। उन्होंने उस वक्त वो नज़रिया नहीं वो समझ पाए जो नज़रिया आप उनको समझाना चाहते थे, या उनको आप जिस तरीके से समझा रहे थे वो तरीका आपका मे बी हो सकता है कि भाई इनके इनके प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग सही ना हो, ठीक है। तो ये ज़रूर रहा है कि भाई इस पर्सन को समझाने में, जो भी आप जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, इस पर्सन को अगर किसी चीज़ को लेके कन्वेंस करना है तो वो ईजी नहीं है। इनको अगर कोई बात समझानी है तो सबसे पहले आप में बहुत पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई सामने वाला पर्सन आपकी चीज़ों को क्विक एक्शन में ले, तो इनके सामने वैसी वाली एनर्जी नहीं चलेगी जैसी वाली एनर्जी का इस्तेमाल आपने किया है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है, इनको ऐसा लगा कि जैसे आप इन पे हुक्म चला रहे हो या राज करने की कोशिश कर रहे हो या इनको दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके पर्सन ने यहाँ पे ये भी बोला है, मैं दबाव में नहीं रहता, या आप मुझ पे किसी का हुक्म नहीं चल सकता, मैंने हमेशा से वो किया है जो मुझे सही लगा है, डोंट प्रेशराइज मी, डोंट फोर्स मी टू डू डैट वट यू वॉन्ट, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। सफरिंग इन साइलेंस को हम देख लेते हैं यहाँ पे क्यों आया है। सफरिंग इन साइलेंस, एस ऑफ लव, पेज ऑफ वेंड्स, मुझे यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है ये आपके प्यार को इस वक्त बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहे हैं। दे वॉन्ट दे दिस लव, वो इस कनेक्शन में व्यूअर्स आना चाहते हैं, जैसे कि उनकी नीड है, उनकी डिज़ायर है आपसे जुड़ने की, जैसे दूर रह के भी उनको आप ही की ही तलाश है, जैसे दूर रह के भी दूरियाँ ज़रूर बना रहे हैं, या दूरियाँ हैं आपके कनेक्शन में, जैसा भी आप कहो, चाहे वो आपकी तरफ से हो, चाहे वो उस पर्सन की तरफ से हो, चाहे वो हो गई हो, सिचुएशन ऐसी बन गई हो, बट यस कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन का अंदर जो ये कह रहे हैं, मैं अकेले में
भी खुश नहीं हूँ, मुझे अकेले में भी तुम्हारी ज़रूरत है, यानी मुझे अकेलापन भी काट रहा है। इस पर्सन का कहने का मतलब यह है कि मुझे ये कनेक्शन चाहिए, ठीक है, मुझे ये अकेलापन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे ना होने का जो एहसास है वो बहुत तड़पा रहा है, तुम्हारी प्रेजेंस की जैसे आदत हो गई है, और आई वॉन्ट दिस कनेक्शन, आई वॉन्ट दिस लव। वो इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग क्यों बोल रही हूँ, इसका भी एक सॉलिड रीज़न मैं आपको देती हूँ। कार्ड नंबर है 9 और यहाँ से आता है नंबर 1 की एनर्जी। तो आफ्टर 9 एक नई डिजिट शुरू होती है एज पर न्यूमरोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड न्यू बिगनिंग। वही यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जैसे कि वो अकेले नहीं रह पा रहे हैं, इट्स टाइम टू री स्टार्ट समथिंग अगेन, है ना। तो इस तरह की एनर्जी में व्यूअर्स आपके पर्सन को मैं यहाँ पे देख रही हूँ। होप एंड लाइट देखते हैं क्यों आया है यहाँ पे। होप एंड लाइट, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसी उम्मीद है, या फिर वो आपके पर्सन को जो भी उनकी डिज़ायर कहो, विश कहो, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आज भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है। आप बेशक उनसे मूव ऑन कर रहे हो या मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, दोनों ही तरफ से कहूँगी, वाइस वर्सा की एनर्जी को आप ले सकते हैं। इस कनेक्शन में होप अभी भी है ना। क्या होप है कि आफ्टर एंड, आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर सेपरेशन, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, बट वो चैन से रहने नहीं दे रहा एक दूसरे को लेके। आज भी जो इमोशनल अटैचमेंट है वो यहाँ पे नज़र आता है दोनों पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से भी, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में चीज़ें बेहतर होंगी, हम दोनों एक होंगे, हमारा कनेक्शन बेहतर होगा, जैसे यूनिवर्स विल सपोर्ट अस बाय वी हैव अ होप एनर्जी। यानी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में अगर देखा जाए आपके पर्सन की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी होप है कि ये कनेक्शन अभी एंड नहीं हुआ है, इस कनेक्शन में आप दोनों का मिलना तय है, या फिर आप दोनों इस कनेक्शन में आ सकते हैं ये भी तय है। होप देख लेते हैं क्या दर्शा रहा है यहाँ पे। एम्परर यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप कह रहे हो या फिर आपके पर्सन कह रहे हैं, दोनों तरह से समझ लेना कि आज नहीं तो कल इस पर्सन को मेरे प्यार की वैल्यू होगी, आज नहीं तो कल ये पर्सन मेरे प्यार को समझेंगे, आज नहीं तो कल जो भी इनको रोकता है वो आने से रोक नहीं पाएगा और ये मेरे पास आएंगे, है ना। यही होप है, यही है वीवर्स यहाँ पर डिज़ायर कि आज नहीं तो कल हमारा कनेक्शन सॉलिड होगा, हमारे कनेक्शन में वो अचीव होगा जो हम अचीव करना चाहते हैं, हम भी अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ को, अपने घर को सजाएंगे, अपने मतलब व्हाट वी वांट वी कैन अचीव, हम अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यूअर्स मुझे एनर्जी का इस नज़र आ रही है, यानी जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ईगो है या फिर कुछ और इश्यूज हैं आपके कनेक्शन में, जिसने आप दोनों को अभी तक एक होने से रोका है, इन फ्यूचर वो चीज़ें ज़रूर रिलीज़ होंगी और आपके कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे होगी। तो इस तरह की वाइब्रेशन मुझे दोनों ही पार्टी से मिल रही है, मैं किसी एक पार्टी को लेकर नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये एनर्जी आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी, दोनों तरफ से मिल रही है, क्योंकि वी हैव अगेन इमोशनल लॉस, कि कहीं ना कहीं यहाँ से भी इमोशनल लॉस आया, इधर से भी इमोशनल लॉस आया, यानी दोनों ही जने मैं कहूँगी, आप और आपके पर्सन दोनों ही बेशक सेपरेशन में हो बट एक दूसरे को भूल भी नहीं पाए हो और एक दूसरे के बिना रहना भी संभव नहीं है। टावर एंड वीवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, किंग ऑफ कप्स, यस, टावर ने वीवर्स इस पर्सन को बहुत बदला है, मैं ये बोलूँगी, यानी कि इस पर्सन को फील कराया है कि अगर आप किसी को खोते हो तो उसके खोने का दर्द क्या होता है, ठीक है। ये एक इमोशनल एनर्जी है, फुल ऑफ इमोशन, दैट कैन फील द, मतलब ये कहेंगे शोक और हर्ष, दोनों एनर्जी को ये पर्सन फील कर सकता है, ठीक है, ये कर सकती है, मतलब बेसिकली कनेक्शन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो ये एनर्जी गाइस फुली डिवोटेड होती है अपने कनेक्शंस को लेके, एनर्जीज होती है, मतलब अपने जिससे वो प्यार करे, जिसको वो, जिसके साथ में वो संबंधित हो, तो उसको लेके व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, जो भी इस कनेक्शन में इस पर्सन ने आपको खोया है, आपने इस पर्सन को खोया है, तो उसका दर्द इस पर्सन को अब आगे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। दे कैन फील कि अगर आप नहीं हो तो इस पर्सन के ऊपर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है, आप इन कार्ड के थ्रू मतलब महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो यही कहूँगी व्यूअर्स कि राइट ना आपके पर्सन आपको लेके बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं और दे वांट कि आप इनकी लाइफ में कम बैक करें, ठीक है, और आप दोनों का रिश्ता इन फ्यूचर
एक बेहतर पार्टनरशिप में बदल जाए, है ना। तो ये बॉटम से कार्ड आया, लास्ट कार्ड है आपके लिए, जो दिखाता है ये जो पर्सन है इनकी डिज़ायर है, ये इनकी विश है ये कि आप दोनों के बीच में संबंध मजबूत हो, एक दूसरे के साथ में आप दोनों का संबंध बने, कनेक्टेड हो, एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे को जैसे कि सपोर्ट करने वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की ये एक उम्मीद नज़र आ रही है इस कनेक्शन में कि यस, आज आप इस तरह की बातें जो आपने शुरू में हमने देखी वो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिराकल होगा इस कनेक्शन में और आप दोनों में जो सेपरेशन चल रहा है वो सेपरेशन ख़त्म होगा, या फिर आप सेपरेशन के कगार पे आ गए हो तो वो सेपरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की व्यूअर्स बातें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। लेट्स सी आपके लिए इस डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, अच्छा राशि मैं आपको बता दूं, ठीक है, मुझे याद आ गया, मैं रीडिंग में खो जाती हूँ, मुझे राशि याद नहीं रहती, ठीक है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरा फोकस एक ही जगह रहेगा, 10 जगह नहीं रहेगा। राशि हमारे पास यहाँ पे है मेष, सिंह, धनु राशि, जिसमें मेष बहुत स्ट्रांग है, कर्क बहुत स्ट्रांग है, मीन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इसके अलावा कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह, धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आई थी आपके लिए, तो वो भी राशि आ जाती है। तो राशि अगर हम देखें तो संवेर, यस, सारी की सारी है, यहाँ पे कोई है क्या मिसिंग? हाँ, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी गाइस यहाँ पे नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी राशि का इम्पैक्ट नहीं है, या फिर आपकी राशि आपके पर्सन की नहीं हो सकती, या फिर आपकी नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि इस कनेक्शन में सोर्ड मिसिंग है, यानी कहीं ना कहीं तलवारें, प्रॉब्लम्स है ना, वो उससे आप बाहर निकल के आ रहे हो, वो चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप को अब हिट नहीं कर रही हैं, या फिर मेंटल एस्पेक्ट इस कनेक्शन को अब हिट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि अब इस कनेक्शन में इमोशनल एनर्जी इन्वॉल्व हो चुकी है, जहाँ पे दिमाग से नहीं दिल से चीज़ों को देखा जा रहा है, हैंडल किया जा रहा है, ठीक है। तो समवेयर दैट इज़ अ गुड साइन ऑल्सो कि सोर्ड एनर्जी नहीं है, और ये काफ़ी अच्छा एक साइन मैं कहूँगी, ठीक है, आपके कनेक्शन में करंट की एनर्जीज में, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के क्या हैं टू हार्ट मैसेजेस, उनके लेट नाइट थॉट। ओके, आई एम गोइंग टू गेट हेल्प, आई नो आई नीड टू, ये किसी से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्प की ज़रूरत भी आ चुकी है, क्योंकि समवेयर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान खुद से सॉल्व नहीं कर सकता, है ना। तो मे बी या तो किसी से डिस्कशन करेंगे इस कनेक्शन को लेके, ठीक है, या फिर खुद से कोई एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो उसमें किसी और को इन्वॉल्व कर लेंगे, सो दैट इनकी जो पोजीशन रहे, ये जो एक्शन लेने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं वो अच्छी तरह से वो काम हो जाए, उसमें फेलियर ना देखने को मिले, है ना। तो इनको पता है कि हाँ इनको करना है, जो भी आप इनसे कह रहे हो उनको पता है इनको करना है, और ये कह रहे हैं मैं उसे करूँगा भी, बट उसको मैं अकेले परफॉर्म नहीं करूँगा, आई नीड सम काइंड ऑफ हेल्प एज वेल, ठीक है। हाउ कुड यू ट्रीट मी लाइक दैट, आपने इनको कैसे ट्रीट किया, मैंने बोला था ईगो का कुछ इफेक्ट हुआ है, कुछ बातें आपने बोली हैं, तो ये उसी के लिए मैसेज मुझे फील हुआ, ठीक है। तो भाई देखो, हर एक का नेचर एक सा नहीं होता, हर एक पर्सन, हर एक पर्सनालिटी एक सी नहीं होती, है ना, हर एक इंसान डिफरेंट होगा, लेकिन जिन लोगों के लिए मैसेज आया है आप समझ लें मे बी हर एक के लिए नहीं हो, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन है, आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। हैव यू मूव ऑन, आई एम वरीड, क्या तुम जा चुके हो, क्या तुमने मूव ऑन कर लिया है, डर लग रहा है ये सोच सोच के, ठीक है, ये बातें डरा रही हैं, क्या सच में तुम मूव ऑन कर चुके हो या कर जाओगे, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। कैन यू एक्सेप्ट मी एज आई एम, क्या तुम मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करोगे जैसा मैं हूँ या जैसी मैं हूँ, कर सकते हो तो यस, ये कनेक्शन को आगे हम बढ़ा सकते हैं। आई एम सो स्केर्ड, डर लग रहा है, आई कांट फेस दिस राइट नाउ, जो भी इस कनेक्शन में हो रहा है या जो भी कुछ हुआ है उसको कैसे डील करें, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करें या उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल के आए।
तो ये आपको फेस करने से इस वक्त डर रहे हैं, इनको आपकी एनर्जी से डर लग रहा है। मैं ये कहूँगी जो भी अल्टीमेटम आपने इस पर्सन को दिया है उस अल्टीमेटम से इनको डर लग रहा है, ठीक है। आई डोंट हैव एनर्जी फॉर दिस राइट नाउ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है तुम्हें फेस करने की, ठीक है। या फिर इस कनेक्शन में जो भी है, जो भी चल रहा है उसको लेके ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। डाउन महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई एम रेडी फॉर अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि इफ़ यू वॉन्ट देन आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ एक नई फ्रेश स्टार्ट के लिए। और जो मैंने आपको यहाँ पे हमने सीरीज़ देखी थी उसको देख के भी मैंने बोला था ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और वही मैसेज यहाँ पर लास्ट आपके लिए आता है कि यस आपके लिए ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन बॉटम का कार्ड दिखाऊंगी तो आपको शॉक लगेगा, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। योर एक्सपेक्टेशन समटाइम बिकम ट्रबल, आपकी एक्सपेक्टेशन इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ट्रबल क्रिएट करती हैं, इनको प्रॉब्लम में डाल देती हैं, इनके सामने ऐसी ऐसी चैलेंजेस क्रिएट कर जाती हैं आपकी एक्सपेक्टेशन, जो इस पर्सन को हिला देती हैं। यार ये कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगी। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके लिए जो मैसेज आया है कि उनको पता है करना है तो हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी नहीं है राइट ना उन चीज़ों को परफॉर्म करने की, ठीक है। फेस नहीं कर पा रहे हैं आपको, जो भी आपने इनसे शर्तें रखी इनके सामने। तो समवेयर यस, इन आपकी तरफ से जो भी है वो ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है। तो इसका व्यूवर्स, जिन लोगों के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई है इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।